गुड मॉर्निंग माई लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स. टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर प्रैक्टिस कोच. ओके, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 120 पे क्या दिया है, प्रैक्टिस कोच दिया है, वो हम सॉल्व करने वाले हैं. ओके, चलो. फर्स्ट 12 × 6, सो 12 × 6 हमें करना है. ओके, सो हम क्या करेंगे, 6 से 2 को, 2 वंस को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो 6 × 12. ओके, सो वी हैव टू राइट 2 इन वंस कॉलम एंड कैरी ओवर 1 इन टेंस कॉलम. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेंस कॉलम्स के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से. 6 × 1 = 6, ये 6 प्लस 1 करेंगे 7. ओके, देन नेक्स्ट 9 × 18. ओके, सो वी हैव टू राइट 8 इन वंस कॉलम कैरी ओवर 1 इन टेंस कॉलम. ओके, अब हम 9 और 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 9 × 1 = 9, 9 + 1 = 10. सो हम राइट करेंगे 10. ओके, देन नेक्स्ट 3 × 5 = 15. वी हैव टू राइट 5 इन वंस कॉलम एंड कैरी ओवर 1 इन टेंस कॉलम. 3 × 1 = 3 + 1 = 4. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो स्टूडेंट्स, ये 4 मैंने आपको अभी सॉल्व करके दिए. सॉरी, 5 × 5 = 25. ओके, सो वी हैव टू राइट 5 इन वंस कॉलम एंड कैरी ओवर 2 इन टेंस कॉलम. 5 × 5 + 2 = 7, 75. ओके, सो मैंने ये 4 आपको करके दिए हैं, ये नीचे के 4 आपको करने हैं. ओके, अब यहाँ से मैं और 4 आपको करके दिखाती हूँ. ओके, 2 × 4 = 8. ओके, 2 × 6 = 12. ओके, सो वी हैव टू राइट 2 इन टेंस कॉलम कैरी ओवर 1 इन हंड्रेड्स कॉलम. यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है क्या, कुछ नहीं है, इसलिए ये 1 क्या करेंगे, हम एज इट इज लिखेंगे. ओके, देन नेक्स्ट 6 × 2 = 12. ओके, 2 × 6 = 12, 12 once. सो वी हैव टू राइट 2 वंस इन वंस कॉलम कैरी ओवर 1 10 इन टेंस कॉलम. नाउ मल्टीप्लाई 7 × 10 × 2, 2 × 7 = 14, 14 × 10 + 1 = 10, 15 × 10. ओके, सो वी हैव टू राइट 5 इन टेंस कॉलम एंड कैरी ओवर 1 इन हंड्रेड्स कॉलम. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ नहीं है, ये 1 एज इट इज आएगा. अगर इस कॉलम में कुछ नहीं हो ना स्टूडेंट, तो 2 × 7 = 14 + 1 = 15 आए, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो. ओके, देन 3 × 4 = 12. ओके, सो वी हैव टू राइट 2 इन वंस कॉलम कैरी ओवर 1 इन टेंस कॉलम. 3 × 7 = 21, 21 + 1 = 22. आप 22 डायरेक्ट लिख सकते हो. ओके, 22 में 2 लिख के यहाँ पे कैरी ओवर कर सकते हो, क्यों, यहाँ पे नंबर नहीं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर नंबर रहा तो कैरी ओवर प्रॉपरली करना है आपको. ओके, देन नेक्स्ट 4 × 9 = 36. सो 6 हम वंस के कॉलम में राइट करेंगे, 3 हम कैरी ओवर करेंगे, एंड 7 × 4 = 28, 28 + 3 = 29, 30, 31. सो 1 10 हम यहाँ पे लिखेंगे, 3 31 में से कैरी ओवर करेंगे. ओके, सो यहाँ पे कुछ नंबर नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, सो डायरेक्टली एडिशन मतलब 0 ही है यहाँ पे. सो 3 हम एज इट इज लिखेंगे. ओके, सो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस कुछ कंप्लीट करना है. ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 121, फन विथ मैथ्स, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट डिकोड. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया है, कुछ नंबर्स दिए हैं और कुछ कैपिटल लेटर्स दिए हैं, मतलब ये क्या है, कोडिंग है. ओके, हर एक नंबर को क्या दिया गया है, एक लेटर दिया गया है. ओके, तो हमें क्या करना है, लुक हियर, यूज़ द सीक्रेट कोड टू फाइंड द मैसेज. हमें एक मैसेज ढूंढना है ये सीक्रेट कोड फाइंड आउट करके. ओके, सो कैसे करना है, देखो, राइट यम फॉर 7 × 4, 7 × 4 आंसर क्या है स्टूडेंट, 28. ओके, सो 28 के लिए यहाँ पे देखो कौन सा सीक्रेट कोड दिया है हमें, वेयर इज 28, ये देखो 28 के लिए हमें यम दिया है, तो हमें यहाँ पे आंसर नहीं लेटर लिखना है. ओके,
लेट्स स्टार्ट। 4 8 32, ओके। सो हमें यहाँ पे 32 लिखना है क्या? नहीं, उसका कोड लिखना है। सो यहाँ पे 32 के लिए कोड क्या है? कैपिटल यू। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल यू, ओके। 5 3 15, सो 15 के लिए क्या है? यल है, ओके। सो हम लिखेंगे कैपिटल यल। देन 8 3 3 8 24, सो 24 के लिए कौन सा लेटर दिया है? 24 के लिए दिया है टी, कैपिटल टी। यहाँ पे ये ऑलरेडी किया है। देन नेक्स्ट 9 6 54, सो 54 के लिए क्या लेटर दिया है? कैपिटल पी, ओके। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल पी। देन नेक्स्ट 5 3 15, ओके। सो 15 के लिए क्या है? यल है ना। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल यल। 1 1 1, सो 1 के लिए क्या कोड दिया है यहाँ पे? यस वाई। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई, कैपिटल वाई। देन 7 4 28, सो 28 के लिए, 28 के लिए क्या यूज़ होगा? कैपिटल यम। सो हम यहाँ पे कैपिटल यम लिखेंगे। देन नेक्स्ट 4 10 40, सो 40 के लिए क्या है? ई, ओके। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ई। 7 2 14, सो 14 के लिए कोड क्या है? बी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल बी। 1 1 1, जो यहाँ पे हमने किया था वाई लिखना है। 6 2 12, सो 12 के लिए क्या दिया है? वेयर इज 12? यस हियर, ए, कैपिटल ए दिया है, ओके। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ए। 9 5 45, सो 45 के लिए कैपिटल एन दिया है, तो हम लिखेंगे कैपिटल एन। देन 1 1 1, ओके। सो 1 के लिए क्या है? वाई है। देन 3 5 15, कैरी ओवर 1 किया, 3 1 3 + 1 4, 45, ओके। सो 45 के लिए कौन सा लेटर है स्टूडेंट्स? वेयर इज 45? यस हियर एन, ओके। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 45 लिखेंगे क्या? नो, यहाँ पे हम लिखेंगे यन। देन 8 4 32, सो 32 के लिए कौन सा लेटर है? यू। सो हम लिखेंगे यहाँ पे यू। देन 7 4 28, सो 28 के लिए दिया है कैपिटल यम। देन 7 2 14, 14 के लिए दिया है कैपिटल बी। 10 4 40, 400, 4 1 4, ओके। सो 40 के लिए क्या कोड दिया है स्टूडेंट्स? कैपिटल ई। 5 5 25, सो 25 के लिए क्या है? कैपिटल आर। देन 6 2 12, सो वेयर इज 12? यस 12 के लिए क्या है? कैपिटल ए। देन 9 5 45, सो 45 के लिए है कैपिटल यन। देन 0 0 0, 0 × 4 0, कोई भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स? 0 आता है, ओके। सो 0 के लिए लेटर कौन सा है? डी। सो हम यहाँ पे करेंगे कैपिटल डी। देन नेक्स्ट 36, ओके। 12 3 36, 3 2 6, 3 1 3, ओके। सो 36 के लिए क्या है? कैपिटल डब्ल्यू। देन नेक्स्ट 10 1 10, सो 10 के लिए क्या है? आई, ओके। सो क्या है यहाँ पे? कैपिटल आई। देन 3 5 15, सो 5 1 3 1 3 + 1 4, 45, 15 3 45, कैपिटल यन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मैसेज तैयार हुआ है, ओके। मैसेज क्या है? मल्टीप्लाई मी बाय एनी नंबर एंड विन, मतलब मुझे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो और जीत जाओ, ओके। ऐसा हमारा क्या था? सीक्रेट मैसेज था। देखो मल्टीप्लाई मी बाय एंड सॉरी मल्टीप्लाई मी बाय एनी नंबर
एंड विन। ओके, सो हमने सीक्रेट मैसेज भी फाइंड आउट कर डाला। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, पेज नंबर 120 पे जो प्रैक्टिस कोर्स दिया है और 121 पे जो फन विथ मैथ्स दिया है, दोनों पेज क्या करने हैं, फिल अप करने हैं। ओके, और इसका फोटो मुझे ग्रुप पे सेंड करना है। बाय।